हे गाइस, अभी तो नाइट है, गुड इवनिंग। 8 बजा है नाइट का। आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, भूख भी नहीं लगी। वो टमी मेरा इतना टाइट टाइट लग रहा है बहुत ज़्यादा। और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी मूड अकेले रहने का मन करता है। सो देखो डिलीवरी कब तक होती है। ड्यू डेट तो मेरी 8 जान है, बट ऐसा लग रहा है उसके पहले डिलीवरी हो जाएगी। सो गाइस, फेस भी हमारा डाउन हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे फेस में। सो देख ही सकते हैं मेरे फेस में कितने सारे चेंजेस हुए हैं। और मूड्स गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल माई दी क्रिएशन। सो अभी मॉर्निंग का 8 बजा है और अभी तक हमारे यहाँ का फॉग नहीं गया। सो मैं आपको फॉग दिखाती हूँ। सो लेट्स, मेरे माउथ का फॉग दिख नहीं रहा होगा आपको, इतना धुआं धुआं हो रहा है। क्या बोला तूने? रक्षा दीदी का घर तक दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस, आज तो मैं नहा वहा कुछ भी नहीं रही हूँ, बस मैंने फेस धो लिया है। यस, तो नहाने का मन ही नहीं कर रहा है इतने फॉग में। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अभी तो मैं गरम गरम चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी गर्माहट है, अभी कुछ काम हो। कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को सर्दी नहीं लगती है ज़्यादा, क्योंकि बेबी उसको गर्माहट देता है अंदर से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सर्दी बहुत है। हाय हाय, इतना सुकून। चूल्हा जला रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चूल्हे पे दार करेले। सर्दी की वजह से हम चूल्हे पे बना रहे हैं, यहीं पे हम तापते जाएंगे, यहीं पे हम बना रहे हैं। सो गाइस, अभी दोपहर का 1 बजा है। सो थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है अभी, और धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा हम लोग धूप में बैठे हैं। दादी भी धूप में बैठी है। ये हमारे खेत में बाजरा हुआ था कल, मम्मी ने धुल के डाला इसको। रक्षा दीदी आज नहीं आई।
सो गाइस, दादी और मैं छत पे बैठे हैं, बहुत टाइम हो गया है क्योंकि धूप लग रही है तो अच्छा भी लग रहा है, और नीचे जाते हैं तो सर्दी लगती है, इससे अच्छा हम लोग धूप में ही बैठे हैं। और ये मत समझिएगा कि मेरे उस हेयर में जू है या कुछ है, दादी सिर्फ मेरे हेयर से डैंड्रफ निकाल रही हैं, टाइम पास कर रही हैं दादी। सो बुज़ुर्ग लोग होते हैं घर में, बहुत अच्छा लगता है उनका लाड प्यार सब कुछ मिलता है हमें। हे गाइस, अभी इवनिंग के 4:30 बजा है, 4:30 बज गया है और हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, अभी लाइट आई है हमारे यहाँ से। फ्लाइट के बिना बुरे काम पड़े थे हमारे, और अब लाइट आ गई तो हम सारे काम अपने कर लेते हैं। और देखिए मट्ठा बन रहा है हमारे यहाँ, लाइट इतना मट्ठा भी नहीं बन पा रहा था, और पानी भी नहीं था हमारे यहाँ लाइट के बिना, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लाइट के बिना नहीं हो पाते हैं। अभी इवनिंग हो गई है तो सर्दी फिर से पड़ गई है, और सुबह और शाम बहुत सर्दी लगती है, तो फिर में थोड़ी सी धूप निकल आती है तो थोड़ी राहत मिलती है कि चलो धूप निकल गई है। और आज लाइट भी नहीं आ रही थी तो पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा था घर में। और अभी आप सुबह अभी थोड़े किचन के काम निपटा लेते हो, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ओके मम्मी मुझसे चिल्लाते रहते हैं कि तुम फ्रूट्स नहीं खाती हो, तुम मिल्क नहीं पीती हो, तुम अपना केयर नहीं करते हो, चिल्लाती रहती हूँ। अभी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, बहुत फटी होती है, फटी चीज स्टडी भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं मोबाइल में, और फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो गया था और मैं स्टडी भी नहीं कर पाई, आज पूरा दिन निकल गया है। सो अब थोड़े घर के काम निपटा के फिर स्टडी की जाए फुर्सत में बैठ के। ओके बाय गाइस, फिर से लाइट चली गई है, मेरे घर का इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है, मैं बहुत हरकत करती है गाँव में, क्या करें, बैठते हैं बैठते हैं। सो नाइट हो गई है गाइस, और आज का हमारा ये ब्लॉग डेली लाइफ का था, और थैंक यू सो मच गाइस, हम महिंदी क्रिएशन को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और आगे ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा किसी भी वीडियो में, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, कैसा वीडियो आप पसंद करते हैं उस पर हमें कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।